हेलो गाइस, तो दर्शक गेमर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो में तुम्हारा भाई तुम्हारे लेकर आया है R15 की प्रॉपर ट्यूटोरियल वीडियो इन हिंदी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम 2090 यामाहा Y-ZF R125 का, जो कि बहुत ही बढ़िया शानदार तगड़ी बाइक आप देख के समझ ही गए होंगे, उसका ट्यूटोरियल देने वाला है। तो गाइस, हम हर एक वीडियो में अपने एक रैंडम सब्सक्राइबर को शाउट आउट देते। तो गाइस, आज का शाउट आउट जाता है, तो गाइज थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। एंड गाइज, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। गाइज, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अपने चैनल पे हर एक वीडियो पे रैंडम सब्सक्राइबर को शाउट आउट देते हैं। तो गाइज, कल आपकी बारी भी हो सकती है। तो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें इस फाइल को करना है डाउनलोड, फिर से डाउनलोड। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद 32.3 MB की एक फाइल डाउनलोड होगी। जैसे ये फाइल डाउनलोड हो जाती है, हमें सिंपल से करना है इसको ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ से मिनिमाइज, फिर आपको इस फोल्डर को डेस्कटॉप पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ओके, फिर हम रेडमी फाइल को ओपन कर लेते हैं कि क्या उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो गाइस, इसका स्पॉन नेम है YZF R125। तो गाइस, इंस्टॉलेशन मेथड भी दी गई है कि DLC फोल्डर में कॉपी करना है और ये एंट्री DLC फाइल में डाल दी है। तो गाइस, आपको इनका सब मालूम है। तो गाइस, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, इसको करना है क्लोज। आपको जाना है OpenIV में। OpenIV में ओपन हो जाने के बाद GTA 5 विंडोज़, इसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद जैसे ये लोड हो जाएगा तो आपके सामने जो इंटरफेस शो होगा वो इंटरफेस कुछ शो होगा ऐसा। बे आ जाए जल्दी। हाँ, तो अच्छा ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो फिर करना है एडिट। एडिट मोड को ऑन करना है, फिर मोड्स में जाना है, अपडेट X64 DLC packs, फिर इसको लगाना है साइड में, सही ढंग से लगाना है। फिर इस फोल्डर को ओपन करना है, ये रही आपकी DLC फाइल। यहाँ से सिंपल से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, फिर आपको वापस से मोड में जाना है, फिर जाना है update.rpf कॉमन डेटा, एंड लास्ट में DLC लिस्ट राइट क्लिक करना है एडिट, नीचे जाना है, फिर आपको रेडमी फाइल में यह जो कमांड दिया गया है, देखिए ये वाला, इतने कमांड को आपको करना है कॉपी। फिर यहाँ पे आना है, एंटर दबाना है, करना है पेस्ट, करना है सेव, और यहाँ पे आपका काम खत्म। तो गाइस, चलिए गेम में चलते हैं। देखा था कि आपका भाई आपके लिए R15 लेके आ ही गया। तो गाइस, चलिए गेम में चुके हैं। गेम में आपका भाई आपके लिए लेकर आ गया है YZF125, यानी कि यामाहा R15। तो गाइस, चलिए स्पॉन करते हैं कि क्या ही मज़ा आने वाला, एकदम बवाल मचाएंगे। तो गाइस, करना है मेन्यू ट्रेनर ओपन, करना है व्हीकल ऑप्शन, व्हीकल स्पॉनर, लास्ट में इनपुट मॉडल YZF125। गाइस, थोड़ा सा नेम देख लेता हूँ, रुकिए। ओके गाइस, तो इसका स्पॉन नेम है YZF R125। तो गाइस, हिला डाला ना गाइस। बताइए गाइस, आपको ये कैसा लगा? रुके, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसा इसका आता है ना वैसा। थोड़ा सा टाइम चेंज करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या ही मजा आएगा। तो गाइस, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ही बढ़िया कार है। फर्स्ट पर्सन में दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, अभी तो हमने हेलमेट पहना है, अभी इसको निकालते हैं। तो गाइस, अब बताइए गाइस, है कि नहीं प्रॉपर आपकी R15। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या कोई भी इसमें कुछ हेल्पफुल साबित हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। गाइस, चलिए इसकी राइड ले रहे हैं। प्रॉपर R15 आज फ्रैंकलिन के पास आ चुकी है। ओ फक,
तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू द शिव गेमर एंड हैव अ नाइस डे।